उनका के जिन्होंने चार पाँच घंटे अपनी मुकम्मल अटेंशन इन्वॉल्वमेंट डेडिकेशन के साथ सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और उसके फ्यूचर रोडमैप के लिए उन्होंने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए और अपनी तजावीज़ जो है वो उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को दी है। मैं आज भी इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ, फर्म यकीन है मेरा, कि जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का वो हम पूरी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी हमारे साथ मौजूद है आज, और काफ़ी दोस्त जो नहीं है वो बाद में हमें ज्वाइन कर लेंगे किसी और सेशन, कराची के सेशन में हम उन्हें मदु करेंगे, वो और एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो मिलके अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ हम अपने मुस्तकबिल को सेव करेंगे और अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। सीरियसनेस का ये है कि आज इतने दोस्त जो यहाँ पे बैठ के पाँच घंटे उन्होंने एक टेबल पे 8-9 मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथ बैठ के एक वन पॉइंट एजेंडा पे अगर वो पाँच घंटे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं तो यकीनन आगे के सफ़र में वो हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये सवाल फ़कत हमारा नहीं है, ये सवाल सरदार शाह का, काजी शाहिद परवेज़ का नहीं है, ये सवाल आपके बच्चों और आपके बच्चों के बच्चों का सवाल है। इस हवाले से जितनी भी तजावीज़ आई हैं मैं सबको ऑन करता हूँ। मैंने पहले एक बात की अपनी गुफ्तगू में, जो अवैली मैंने गुफ्तगू यहाँ पे की, उसमें मैंने ये बात की कि ये बात ओनरशिप की है। सबसे पहले हमें सिस्टम को ऑन करना है। हमने सच करने की बात की कि भाई सब सच की बात करें, क्यों, मैंने छुपाया नहीं है, हमने ऐप नहीं छुपाया। यहाँ पे आके हमने कहा है कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी और जितना हमारी टीम है वो हम आपके आपको यहाँ पे कहें कि बस दूध की नदियाँ बह रही हैं और हमारे पास सब ठीक हो रहा है। हमने जो हमारी खामियाँ हैं हमने दिल से तस्लीम की है। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो उसके अकाउंट पे जितनी खामियाँ हैं वो भी मैंने यहाँ पे कन्फेस की है। और इसका सबसे बड़ा, मैं नहीं कह सकता कि एक मिसाल ये हो सकती थी कि भाई एक मिनिस्टर जो असेंबली में बड़ी स्पीचेस करके और डाड़े मार के निकला है वहाँ से, उसकी ओनरशिप और रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट का फर्स्ट साइन क्या होगा, इंडिकेटर क्या होगा। मैं समझता हूँ जब मुझे मेरे पार्टी चेयरमैन ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा कि आपको ये एजुकेशन का टास्क जो है वो हम दे रहे हैं काम करने के लिए, तो मैंने लम्हे के लिए सोचा, फिर मैंने उसने पहला चेयरमैन साहब ने मुझसे सवाल किया, बिलावल साहब ने, कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा ये कोई वन लाइन आंसर तो हो नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं सिस्टम को ऑन करूँगा और अपनी, मुझे एक बेटी है उसको मैं गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करूँगा। फिर मैंने यही बात सिविल सोसाइटी पर छोड़ दी। डिमांड सिविल सोसाइटी की ये थी कि सरदार शाह बी के एजुकेशन मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को कहे और नोटिफाई करवाए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के जितने भी मुलाजमीन हैं वो सब के सब जो है उनके बच्चे जो है वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये सिविल सोसाइटी का मुझ पे प्रेशर था, मगर सिविल सोसाइटी के किसी बंदे ने वॉलंटरली उठ के अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, ये भी सच है। एक भी प्रेसिडेंट मुझे नहीं मिला। मैंने कहा जो मुझसे डिमांड कर रही है हमारी सिविल सोसाइटी, वो कह रही है कि वो हमारे पास जिनको हम ऑन नहीं करते, हम कहते हैं कि 50% से ज्यादा वो नाकारा लोग हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं। अब एक नाकारा लोगों से एक्सपेक्टेशन हम ये रखें कि वो अपने बच्चों को लाके गवर्नमेंट स्कूल में बिठाए, और डिमांड कौन कर रहे हैं, जो सबसे काम वाले लोग हमारी सिविल सोसाइटी के हैं वो, कि नाकारा लोग जो है वो अपने बच्चों को उधर दाखिल करवाएं, यहाँ से एजुकेशन के इनकलाब का सफर शुरू होगा, तब्दीली का। मैंने पहले दिन अपने बच्चों को दाखिल करवाते हुए मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि मैं ना ये किसी पे इम्पोज करूंगा, ये सब पे छोड़ दूंगा कि ओनरशिप कितनी है और हर एक के अपने जमीर का फैसला है
कि वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, एक स्कूल को ठीक करने का ठीका कौन उठाता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। 47,000 या 42,000 स्कूल्स को छोड़ दें, उसकी बात ही नहीं है। एक स्कूल ओन कौन करता है, एडॉप्ट अ स्कूल लाइक ए सन, लाइक ए किड, लाइक ए डॉटर, ये छोड़ दिया हमने सोसाइटी। अगेन हमने कहा कि भाई हमने बैठ के जो खराबियां काजी शाहिद परवेज, आसिफ इकराम और सरदार शाह ने, पूरी टीम उसकी ने जो देखी, या तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट दिलाने के लिए और कोई मैं नहीं समझता दुनिया में कोई तरीके है। लोग कुरान उठा के, बाइबल और गीता उठा के भी मुकर जाते हैं और कोई तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है कि या जो कहे उस पर एतबार करे, अगर वो करे तो उसको विटनेस करे, उसको अप्रिशिएट करे, और कोई तरीका दुनिया में एतबार का होता ही नहीं है कि कोई ट्रस्ट करे। हमने एक बैठ के हमने खराबियां, जितनी भी सिस्टम में खराबियां थी उन एक एक करके हमने निकाली। निकालने के बाद हमने ये रोड मैप बनाया, तीन हिस्सों में हमने पूरे अपने रोड मैप एक्शन प्लान को डिवाइड किया। ये हतमी फैसला नहीं है, अगर ये फैसला किया गया होता तो ये असेंबली से और कैबिनेट से पास करवा के फिर भी आपके पास आता और आपको कहता कि हमने ये सारा काम कर लिया है, आप बताएं अब क्या करना है। ये हमने इनिशियली आपको एक बुनियादी खराबियों की के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको एक पिक्चर दी कि हमारे पास मुमकिन इसका हल ये है और इसमें हमारी सिविल सोसाइटी जितना एड करना चाहे, जो भी इसमें आप डालना चाहे, वो अरबिक उसको जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि खुजमा मासफ़ा दैमा किदर, अच्छी चीज़ें चुन के खराब को छोड़ दो, वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करके इसको और जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और पॉलिसी के तौर पे डूएबल और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ये हम सोसाइटी से इसको फिल्टर करके देन आई विल ब्रिंग इट टू द कैबिनेट एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट हम इसको ले जाएंगे सिंध असेंबली में और सिंध असेंबली में जाके इसको पास करवाएंगे और ये होगा हमारा फिर रेड जोन जिसमें हम किसी को दाखिला नहीं देंगे। या तो वो असेंबली से जाके अबेंड हो वरना आप सारे इसके स्टेक होल्डर होंगे। कल अगर कोई सुबह सरदार शाह जैसा और कोई बुल इन द चाइना शॉप आता है तो आप उसको गले से और हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकते हो बिकॉज के ये आपकी खुद एंडोर्स की हुई ये क्या रेड रोड मैप है और ये एक्शन प्लान है जिस पे आप सबने कंसेंसस दिया है। तो क्लियर विजन ये था। यहाँ पे शायद मुगालता था इजाज साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें आके डिक्टेट करने आए हो कि हमने ये बना लिया है। नो नॉट एट ऑल, दुनिया में कहीं भी सोसाइटी एक जगह बैठ के कोई पॉलिसी नहीं बनाती, इदारे बनाते हैं उसको सोसाइटी इंडोर्स करती है। पूरा समाज कहीं बैठ के 5 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना बस की बात नहीं है कि आप बैठ के ड्राफ्ट करके हमें पॉलिसी दो। वील कम अप विद अ कंटूर मैप और कंटूर लाइन और कोई हम बेसिक एक लाइन के साथ आ सकते हैं, आपको दे सकते हैं, फिर आप उस पर अपनी तजावीज दें, वो हम तजावीज उस पर इनकॉर्पोरेट करके उसको आगे बढ़ाएं। ये इंटेंशन क्लियर हमारा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जितनी भी तजावीज यहां पे आई है, मोर और लेस मैंने बैठ के सुना था, वो ऑलरेडी हमने जो तजवीज की हुई ये चीजें वो डिटेल में शायद बयान नहीं हुई मगर उनमें ये चीजें शामिल है। कुछ ऐसी अच्छा ये तजावीज है जो हमने यहाँ से पिक की है। मैं यहाँ पे बैठ के सुन रहा था, कुर्सी उठा के मैं इधर बैठा इसलिए कि मैं कम अज़ कम प्रॉपरली देख सकूँ और सुन सकूँ कि क्या तजावीज आ रही है। अब जो भी आपने दिए हैं वो आसिफ साहब को उनको पूरा उनको क्लब करेंगे और वो तजावीज हम बैठ के उसको पूरा रिव्यू करेंगे। और आप ये यकीन कर लें कि जो तजावीज़ आपकी तरफ से आई है वो हम बिल्कुल कोट करके उस डॉक्यूमेंट में हम रखेंगे कि ये फला हमारी एक्सरसाइज हुई थी हैदराबाद में और उस एक्सरसाइज में हमें ये सिविल सोसाइटी ने इनपुट दी और कैबिनेट में भी एक्नॉलेज करके आपको वहाँ पे रखेंगे कि ये सारी उनकी सोसाइटी की तजावीज़ है। अब मैं एक एक चीज़ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने पूरी पॉइंट्स नोट की हुई थी एक एक चीज़ पे जाने के लिए। बहुत सी अच्छी तजावीज़ आई लाइक ट्रांसपोर्टेशन, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वो ऑलरेडी हमने ये सोचा था कि हमारी अपनी डिपार्टमेंट के जितने भी मूवेबल नॉन मूवेबल एसेट्स हैं उसके बारे में 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं
और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना आज तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं रही है गवर्नमेंट के हवाले से कि वो मेंटेन करे। हमारा ओपिनियन ये था कि पूरी दुनिया में जैसे आउटसोर्स होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स करें, पर चाइल्ड हम सब्सिडी दें, फिर उस ट्रांसपोर्टेशन पे प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आके बच्चियों को उठा के इनिशियली हम तलका लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे जाके हम उसको ट्रिकल डाउन करके नीचे लेवल तक ले जा सकते हैं। मॉडल स्कूल का अबरार साहब ने, मैं इसको यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर हमारे पास तल के लेवल पे कोई ऐसा मॉडल स्कूल नहीं होगा तो हम रिप्लीकेट किसको करेंगे? उसको नीचे तक ले जाने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए तल के लेवल पे। इस पे यकीनन ये आपकी वेल टेकन आपकी एडवाइस है। और 138 जितने तहसील हैं ये स्कूल अगर एक साल तक एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको बेहतर नहीं कर सकती, मॉडल स्कूल नहीं बना सकती, तो मैं समझता हूँ तो फिर तो बाकी बातें फजूल है। तो ये यकीनन वी विल गो फॉर इट। और जितनी भी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, सबसे अहम बात एक दो थी कि इम्प्लीमेंटेशन एंड देन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, जिसका मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन यकीनन आपके प्रेशर के बगैर, सिविल सोसाइटी के प्रेशर के बगैर, ये कोई गारंटी नहीं है कि सरदार शाह यहाँ पे इधर तीन साल या पाँच साल आइंदा या मिनिस्टर रहेगा या काजी साहब यहाँ पे होगा, ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी रियलिटी है। खुद हुकूमतों को पता नहीं होता कि रात को कोई ताले आजमा ने ख्वाब देख लिया तो सुबह को सब घर बैठे होते हैं। इसलिए मैं इस पर कोई श्योरिटी दूँ ये बस की बात नहीं है, मगर ये आपको लेना है चार्ज। इफ दिस रोड मैप इज पास फ्रॉम द असेंबली से पास होने के बाद सिविल सोसाइटी पे जिम्मेवारी आयद होगी कि कल हम रहे ना रहे इसको इम्प्लीमेंट करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप घर जाके बैठ गए लतीफ़ साहिब वांगे तो वेठी घर घोरे मथा पिरी जिंदड़ो पो कुछ कोन थींदो, तव्हांखे सुबुह जो गिची मां झले मेंबरनि ऐं सभिनी खे हुकूमतुनि खे इन रोड मैप ते हलाइणो पवंदो। इन करे आऊं का गारंटी कोन थो ॾियां तव्हांखे, आऊं गारंटी ॾींदुसि त आऊं पंहिंजी गारंटी इहा ॾेई सघां थो, उहा बि गारंटी तव्हांखे थो ॾियां, हुनजो इख़्तियार तव्हांखे थो ॾियां त मूंखे काजी शाहिद परवेज जे असीं मौजूदु आहियूं ऐं हिन ते इम्प्लीमेंट नथा करियूं, इहो बि इख़्तियार तव्हांखे आहे त तव्हां सुबुह जो असांखे गिची मां झले मीडिया ते सोशल मीडिया ते पुछड़ो करे असांखे पीआरे छॾिजो त बाबा तव्हां फलाणे ते अमल कोन कयो, तव्हां हीअ साम्हूं बीठा आहियो, इहो इख़्तियार अॼु तव्हां खणो असांजी मौजूदगी में, असांखां वठी इहो पंहिंजे हथ में चार्ज खणो। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यकीन कयो, ऐं कन्फेस थो करियां गुज़िर टिनि चइनि महीननि में मूं असांजे हिननि सभिनी साहिबनि खे ॾाढो रतु कयो आहे जो मुंहिंजे MPA जेके MPs और MNs मेरे पास आते रहे, मैंने उन सबको TOs और DOs रख के दिए, मैंने उनको एंटरटेन किया 3-4 महीने, ये बिल्कुल मैं आपके सामने कन्फेस करता हूँ। क्यों किया उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, कोई ऐसा मुझे आइडियल बंदा नहीं नज़र आ रहा था जो मैं नगर पार्कर तहसील से उठा के उसको उबावड़े में रखूँ और उबावड़े में जो है वो तालीम जो है बेहतरी की तरफ चल निकले। जब तक हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई मैनेजमेंट और मिडिल टीयर मैनेजमेंट के बारे में हमारी कोई वाज़े पॉलिसी नहीं थी, तो मौजूद जो हजरात यहाँ पे मौजूद थे उनसे उन पे इन्हसार करना और उनसे काम लेना हमारी मजबूरी थी। फिर मुझे ये काम असेंबली में MPs इन पार्लियामेंट्रियन से लेना था, तो मैंने कहा कि इनको मैं कम अज़ कम इस हद तक कायल करूँ क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी नज़र में कुछ को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की नज़र में ये ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग डिपार्टमेंट है, और वो जो भी आता है वो कोई किसी बदली के लिए आता है, कोई तजवीज़ लेके नहीं आता, दिस इज़ रियलिटी। तो मैंने कहा कि भाई चलो एक मुतहरक मिनिस्ट्री और मुतहरक मिनिस्टर को उनके सामने प्रूव करवाने के लिए मैं एक TO को कम अज़ कम उमरकोट से उठा के मैं नगर पार्कर रख देता हूँ, नगर पार्कर से उठा के उसको मैं लाड़काना लगा देता हूँ, बात वही है, जो काम वहाँ पे हो रहा था वो वहीं पे होगा जब तक वो लोग नहीं आएंगे। तो ये मैं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो लास्ट इन्वॉल्वमेंट अगर 3-4 महीने 4.5 महीने रही है तो ड्यू टू मी, मेरी पार्टी लीडरशिप की वजह से नहीं रही है, क्योंकि मुझे बिलावल साहब ने क्लियरली कहा
अगर काजी शाहिद परवेज़ और सरदार शाह नौ दौरों स्कूल के 10 लोगों को डिसमिस करके आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं कहती कि इनको आप रिस्टोर करो, ये मेरे और इसके ज़मीर का फैसला था कि फ़कत इन 10 लोगों को हम नौकरी से क्यों निकाल दें नौ दौरों की, कि फ़कत ये प्रेसिडेंट कायम करने के लिए कि हम नए नौ दौरों के उस असातिज़ा को निकाल सकते हैं नौकरी से, तो सिंध के किसी भी हम इलाके के लोगों को निकाल सकते हैं, मगर हमने कहा कि वहाँ पे नए दौरों में भी इनको इनकरेज करने वाली वहाँ पे बहुत से लोग होंगे, या तो सबको निकाला जाए या 10 को रोज़गार से बाहर न किया जाए जब तक हम अपना कोई प्लान नहीं बना लेते। मैंने बैकआउट किया, वापस हम वापस आए, हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल नहीं कहा। क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, मुझ पर प्रेशर नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर बैठ के ये कहे कि मैं काम इसलिए नहीं कर सकता, मुझे ऊपर वाले काम करने नहीं देते, आप यकीन उसकी नीयत पे शक करना, या तो वो छोड़ जाए पोस्ट छोड़ के अगर काम करना चाहता है, अगर बैठा हुआ है तो आपके सामने अगर कमिटमेंट करता है तो वो पूरी करना उसकी जिम्मेवारी है। सो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट, मैं इसलिए आपको ये बात भी क्लियर करना चाह रहा था कि मेरे ऊपर मेरी लीडरशिप की कोई भी हमारे डिपार्टमेंट पे प्रेशर नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे फ्यूचर में चल के क्या होगा उसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। जो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में लेट मी कंक्लूड इट के ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और अगर आपकी तजावीज़ है तो आप रिटर्न में ज़रूर इसकी रोशनी में हमें भेज सकते हैं रोड मैप के हवाले से, हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जो डूएबल होगी, जो काम की होगी, हम उसको बिल्कुल कबूल करेंगे। कराची में एक हम रखेंगे इस तरह का कोई और वर्कशॉप वहाँ पे, क्योंकि कराची को इन्वॉल्व करना है। बहुत से लोग हैदराबाद नहीं आ सके और काफ़ी लोग हमारे मधु करने के बाद भी नहीं आए, और हैदराबाद में मौजूद भी थे मगर नहीं आए यहाँ पर। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम के दर्द रखने वाले हैदराबाद में और भी मेरे जैसे बहुत दानिश्वर मौजूद हैं तो नहीं आए। जो आए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं, एंड आई रियली वेलकम यू कि आपके दिल में ये बात थी, आपने चेहरे देख के किसी को निगलेक्ट नहीं किया, आप सिस्टम के लिए आए हो, एक सिस्टम को ठीक करने के लिए। जो काजी शाहिद परवेज़ और सरदार शाह का चेहरा देख के या नहीं आता कि उसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, तो यकीनन फिर आप समझ लेंगे तालीम के हवाले से उसका दर्द कितना होगा, वो अपनी जगह पर है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड नाउ आई इन्वाइट मीडिया कि अगर आप सवाल करना चाहें सवाल इससे मुझे करें। पढ़ने वाले बच्चे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेशंस जो है हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में, वो इसलिए कि 32 लाख रजिस्टर्ड बच्चे जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और 32 लाख फैमिलीज यकीनन इन्वॉल्व है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये हमने पहले जब हम आए तो हमने पहले एक्शन ये लिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, उस पर हमने जो लॉस थे वो हमने निकाले। हमने एक डिटेल मीटिंग की थी कॉलेज सेक्रेटरी, स्कूल सेक्रेटरी और हम सारे बैठ के हमने मीटिंग की कि इस हवाले से कैसे इफेक्टिव किया जाए। आपको ये बताता चलूं कि कोर्ट ने फकत फीस के मामले पे नोटिस लिया है, बाकी जो आर्डिनेंस 2001 और 2013 का जो एक्ट है उसकी रोशनी में दूसरी ऑनरेबल कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया ना नोटिस लिया है, फकत फीस के मामले पर हुआ है। और दूसरी जो है उसमें 10% गरीब बच्चों को दाखला भी देनी है इनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, सबसे अहम चीज़ वो है उसमें शामिल कि जहाँ पे 2000 अगर सिटी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 200 बच्चे गरीबों के भी वहाँ पे पढ़ने का हक उसको ला देता है, उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उस पर बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं सिंधी पढ़ाने के हवाले से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, हमने वाजे तौर पर उनको लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है उस पर हम तो ऑलरेडी उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर वो रिटर्न में हमें कॉपी नहीं पहुंची अभी तक। जो डिसीजन की कॉपी जैसे रिटर्न में आएगी तो उसकी रोशनी में हम नोटिफिकेशंस निकालेंगे। ये मैंने पहले लाउड मैसेज दिया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लॉ पे अमल नहीं करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन भी हम कैंसिल करेंगे। आगे चल के अगर उस पर इम्प्रिजनमेंट जो भी लॉ है जो प्रोविजन्स हैं वो हम उस पर बिल्कुल लागू करेंगे। हैदराबाद के कुछ स्कूल है या सिंध के मुख्तलिफ, अभी हेक ने इश्तिहार दिया था कि कई ऐसे तालीम इदारे हैं जो चल रहे हैं विदाउट रिकॉग्निशन हेक, तो एक तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है महकमा तालीम, चूँकि हेक उसके लिए अखबार में इश्तिहार दे चुका है कि ये हमारे पास इनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, एक तो ये। दूसरा ये कि तालीम इदारों में मंशियात के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि तालीम इदारों में मंशियात चल रही, तो
دیکھیے ہیک کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے ابھی پرسوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین آیا تھا اسلام آباد سے, وہ اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی. اس نے کہا کہ یہ لا میں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت یہاں سے بہت ایسے یونیورسٹیز جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں جن کو چارٹرڈ ملا ہے ایکٹ کی روشنی میں, انہوں نے ایفیلیٹڈ کالجز جو ہے وہ ایسی دے دیے جہاں پہ کوالٹی نہیں ہے, وہ سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہاں پہ. یہ اسی نے سوال اٹھایا تھا. تو اگین یہ سندھ یونیورسٹیز جو ایکٹ ہے اسمبلی میں اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بینگ اے پرو چانسلر, وہ کیونکہ سی ایم کے اختیارات ہیں, وہ منسٹری ماتحت ہے چیف منسٹر صاحب کے, میں ریٹن میں یہ تجاویز جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو بھیج دوں گا کہ اس لا میں یہ امینڈ کیا جائے. یہ بات ان کی بالکل ویلڈ ہے. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں, ان کی اپنی ریپوٹیشن ہے, وہ اگر ایفیلیٹڈ کالجز کہاں پہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, بٹ اسمبلی میں جو بھی جس کو چارٹر مل گیا اس نے 5-7 کالجز جو ہے وہ ایسی بنا دی جن کا معیار تعلیم نہیں ہے وہاں پہ. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. منشیات کے حوالے سے دیکھیں, سوسائٹی اسکولس کالجز میں بالکل نہیں ہونی چاہیے, مگر اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو یہ ریفلیکشن سوسائٹی سے آتا ہے. اگر سوسائٹی میں یہ ایول موجود ہے, وہاں پہ یہ برائی موجود ہے, تو لوگ ہمارے پاس سوسائٹی سے آتے ہیں. اب یہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس حوالے سے ہم نے اپنی طرف سے یہ بالکل سختی کی ہوئی ہے, میڈیا ہماری رہنمائی کر رہی ہے, نشاندہی بھی کر رہی ہے, جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی رپورٹ ملتی ہے ہم ایکشن آئندہ 5 گھنٹوں کے اندر لے لیتے ہیں, کارپورل پنشمنٹ سے لے کر درختوں کے کاٹنے سے لے کے منشیات کے حوالے سے. جہاں پہ بھی ہماری نوٹس میں بات آتی ہے تو ہم ایکشن لینے میں دیر نہیں کرتے. اس میں پھر بھی آپ کو رہنمائی ہماری کرنی ہوگی. سوال ب تمام سٹھا کیا سوال موسا لاگا پل ہے, دانشور سے لاگا پل سوال ہے. وہ دانشور جواب ڈی سکتا تھا. سوسائٹی ہے سول سوسائٹی میں فرق کی کہ جو مکھے میں مارائن چاہیو تھا تو جواب وٹھو نہ تے پر تاج کریکولم جی آپ کے جو کریکولم کے حوالے سے جو سوال تھا وہ بڑا اہم سوال ہے. اس حوالے سے ہم پوری ایک ڈیٹیل میٹنگ کر چکے ہیں کریکولم کاؤنسل کی, جس میں ہم نے ای سی ای سے لے کے ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کے نصاب سے لے کر 12ویں جماعت تک کے پورے نصاب کو 1 سال کے اندر ریویو کر کے اس کو ماڈرن لائنز پہ اپ ڈیٹ کرنے کا ہم نے عندیہ کر لیا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اس پہ ہم نے کمیٹیز بنا دی ہے جس کی فریکوئنٹلی میٹنگ ہماری ہوں گی. اس سال ممکن نہیں تھا, یہ سیکٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں جب ہمارا 1 جولائی سے اکیڈمک سیشن اسٹارٹ ہوگا تو آپ کا کافی حد تک, ہم نہیں کہتے کہ مکمل طور پہ, کافی حد تک ماڈرن لائنز کے قریب جو ہے وہ آپ کا اپڈیٹڈ نصاب آ چکا ہوگا. علمی کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے, علمی کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے, وہ انڈر انکوائری ہے. وہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں پورا, کیونکہ انکوائری ہم نے کنڈکٹ کی ہوئی ہے اس پہ, اور اس لیے میں انکوائری کے رپورٹ آنے کے بعد آپ کو بتا سکوں گا. तवाजी गाल या बिल्कुल ठीक है. मुझी यूनियन सबनी यूनियन जितरू बन उन एक एक मीटिंग थी चुकी है, उनमें जेके उनन जा जायज मुतालबा हुआ उहे मूं हुननि खे चयो आहे, जेके बि जाइज़ हुआ. मिसाल NTS जे उस्तादनि को ॾोह कोन कयो हो जो 6 सालनि खां वठी रेगुलर न थियनि जॾहिं टेस्ट ॾेई चुका हुआ. ईअं सिंध यूनिवर्सिटी पास टीचर्स आहिनि, ॿियनि जा इशू आहिनि जेके असां वटि हाणे उहे उन पूरे वेरीफिकेशन जे मरहले मां गुज़रनि पिया. बाक़ी जेके टीचर्स एसोसिएशन्स आहिनि, मूं हुननि खे वाज़े तौर ते लाउड मैसेज ॾिनो, मूं चयो तव्हांजा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे मञणा पवंदा,
बाकी जी कौम जहाँ मुतालबा तन उसे पूरा करना पौधा जो पूरा न कद तो अस नभी सी तक बिल्कुल उन लाइन में अचण पवो या बिल्कुल यह गाल है दफा एक बड़ा इन जो अगवान हुआ वो मूँ आया स्कूल टाइम से तो ये मुतालबा तुम मूसा एक बजे का खड़ी अची मूसा किया तो भाई यारे बजे मुतालबा खड़ी मूँ वेठा मत स्कूल में ना हो तो इन कर वेहणू हाँ स्कूल में सभी के पवन प्रॉपर प्लेसमेंट प्लान जैसे असो तो एस टी आर पॉलिसी तहत उस्ताद की फिक्सेशन थी तो उन्हें ट्रांसफर एकेडमिक ईयर के खत्म थियण का पैरी नींदी यो 1 जुलाई का जैसे नव एकेडमिक ईयर शुरू थी तो उनका पैरी जो भी असो ये रोड मैप है उन जी माल अमल थी तो पूरे सिंध जो प्लेसमेंट प्लान ठो चाहे वो यूनियन जो टीचर हो चाहे वो को पॉलिटिशियन हो पॉलिटिकल वर्कर हो पर जो उस्ताद होंद तो उनके स्कूल में वनो पाँच हजार से जायद पर नहीं 5,000 से जायद की 20% कमी है जी हाँ मैं आपको बताऊं आपका सवाल था 5,000 से जायद फी नहीं वो नहीं ले सकती ये फैसला नहीं था फैसला ये था कि 5,000 से जायद जो फीस स्कूल्स लेती हैं उन्हें 20% कम करने का कहा गया था तो इस हवाले से मैंने आपको कहा कि उसका जो रिटन में जो जजमेंट है उसकी कॉपी हमारी डायरेक्टोरेट तक अभी तक नहीं पहुंची है वो जज साहबान ने अभी तक जारी नहीं की है जैसे वो आएगी तो हम उसकी रोशनी में फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे और मैंने पहले ये कमिटमेंट किया मैं मीडिया के साथ चल के जो स्कूल नहीं मानेगा ला को मैंने कहा मैं वहाँ पर चल के वो अनिल कपूर वाला सीन करके उस स्कूल को बंद कर दिया अब इस हवाले से खाली मटियारी के क्यों बहुत से सिंध के स्कूल बंद हैं मैंने कब कहा मैंने पहली बात तो मैंने किसी को भी नहीं कहा कि अपने बच्चों को आप आके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाओ मैंने एक सवाल था जो समाज के सामने छोड़ दिया अगर उसके पास जवाब है तो वो खुद दे देंगे मैंने किसी को नहीं कहा कि आप दाखिल करवाएं ठीक है और दूसरी बात जी बिल्कुल वो हम मुसलसल लिख रहे हैं क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि हमारे पास खुद इजाफी नॉन वायबल गैर मौजूद स्कूलों का भी कचरा हमारे गले में पड़ा हुआ है आप तो स्कूल के बाहर के कचरे की बात कर रहे हैं खुद ऐसी स्कूलों का कचरा भी हमारे गले में पड़ा हुआ है हमें वो भी साफ करना है और स्कूल के बाहर जो कचरा है वो भी साफ करना है कि मैं आपको एक बात बताऊं दुनिया में प्राइवेट सेक्टर को कहीं भी बंद नहीं किया जा सकता और प्राइवेट सेक्टर को रोका नहीं जा सकता अब उस हवाले से ये किया जा सकता है कि नसाब जो हो वो यकसा हो सकता है इस हवाले से फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर आए थे मुझसे मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि हम यकसा नसाब लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ सवाल थे मैंने कहा नसाब जो है वो अब हमारा मामला है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये टास्क फोर्स आप फेडरल गवर्नमेंट बना के हमारे सूबाई मामलों में मदाखलत ना करें अगर आपके पास कोई अच्छी तजावीज़ है अगर आप ला सकते हैं दूसरे सूबों में भी तो आप आएँ हम मीटिंग में बैठने के लिए तैयार हैं तो इस हवाले से मेरी उनके साथ अब मीटिंग होने वाली है ये हो सकता है कि उस नसाब के हवाले से हम जो है वो कोई ऐसा फैसला करें कासिम, 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 जी
ابھی تازہ ترین جو فیصلے ہوئے چھٹیوں کے حوالے سے اور جو چھٹیاں کم کی گئی ہیں, کہیں سے اس کی اپوزیشن آئی ہے؟ نہیں آئی, اپریشیٹ کیا گیا ہے, کیونکہ ہم نے جو فیصلہ کیا, ہم نے فیصلہ پیرنٹس کو اور سوسائٹی کو اور بچوں کو سامنے رکھ کے ہم نے کیا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں تو کلاس ہوتے ہی نہیں تھے, میں گنتی میں ہی نہیں آتا تھا, اور جون جولائی کی ویکیشنز ہوتی تھی تو بچے کے 2 مہینے ضائع ہوتے تھے, تو ہم نے وہ بچانے کے لیے ہم نے مئی میں رمضان شریف بھی ہوتا ہے, تو ہم نے مئی اور جون کو ویکیشن کر کے 1 جولائی سے ہم نے اکیڈمک سیشن اسٹارٹ کیا ہے. جی سر, فضول جو ہے وہ عہدے ہیں, جیسے ڈی ڈی او کے 4 عہدے اور ڈی او 4 بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو بالکل رائٹ سائز کریں گے, اور اس حوالے سے جو یہ مینجمنٹ پول والا جو ہمارا مڈل ٹیئر والا جو جس پہ سیکشن شامل تھا, اس حوالے سے بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مینجمنٹ پول جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بنائیں, اور ڈسٹرکٹ میں پرائمری اور سیکنڈری پہ آئیڈیلی 2 اگر ڈی اوز ہیں تو وہ ٹھیک ہے, ایک نان فارمل کا ہے تو چل سکتا ہے, باقی پتہ نہیں اسپورٹس یہ وہ تو اسکول کے سبجیکٹ ہے, ڈی او اسپورٹس کیا کرے گا, وہ ہیڈ ماسٹر جو پرنسپل ہے وہ اسپورٹس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, اس کو یہ تھا کہ اگر 1.5 کلومیٹر پہلے یہ تھا کہ 1.5 کلومیٹر کے ایریا میں ریڈیس میں اگر کوئی گورنمنٹ اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ آپریٹر کے تھرو سبسڈی دے کے پر چائلڈ وہاں پہ اسکول کھولا جائے گا تاکہ بچے آ کے وہاں پہ علم حاصل کر سکے. پھر 0.5 کلومیٹر پہ آیا, ابھی اس حوالے سے کئی ہمارے پاس شکایات بھی آئی ہیں, اور ایک ڈیٹیل میٹنگ اس کے چیئرمین چیف منسٹر صاحب ہیں, میں نہیں ہوں, تو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, مگر اس کے چیئرمین بورڈ کے جو ہے وہ چیف منسٹر ہے, اب یہ چیف منسٹر کے سامنے اگر میٹنگ ہوگی تو اس پہ جتنی بھی ہمیں اس حوالے سے چیزیں آئی ہیں شکایات آئی ہیں تو ہم اس کو دور کریں گے. تھینک یو.